जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। रामचंद्र कह गए सियासे, ऐसा कलयुग आएगा, गाड़ी खरीदोगे कैश से और पेट्रोल लोन पर आएगा। ये दोहा आज की तारीख में बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तेल ने हमारा, आपका, मेरा, हम सबका तेल निकाल दिया है, पेट्रोल शतक लगा चुका है। बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? देश में पेट्रोल का भाव सेंचुरी लगा रहा है। आज मुंबई में भी पेट्रोल का भाव 100 के ऊपर जाकर आंखें दिखा रहा है। सवाल यहां पर यह है कि आखिर महंगाई के इस वायरस का कैसे होगा इलाज? एक वर्ष के अंदर 11 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है बढ़ी है, मानी स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जो बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जो गरीब हैं, जो किसी तरीके से 10-20 रुपया प्रतिदिन की कमाई करते हैं, मानी उनका तो जीना दूभर ही नहीं होता है, बल्कि सचमुच उनके लिए तो लगातार 11वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। मोदी सरकार 3 दिन से कटौती के संकेत दे रही है, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया है। तेल के दाम भागते ही जा रहे हैं। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की सरकार गरीबों के दर्द के प्रति उदासीन है, मध्यम वर्ग परेशान है, आम आदमी करा रहा है, कीमतें कम नहीं हो रही हैं और ये सरकार उनके घाव पर मलहम की बजाय नमक लगाती है। लगातार 17वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। आज पेट्रोल में 20 पैसे और डीजल में 55 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल प्राय कीमतों का नियंत्रण खत्म करने के बाद 6 महीने में ये चौथी मूल्य वृद्धि है और एक झटके में 3 रुपए का इजाफा करना ये बहुत ही जनता पर बोझ डालना है, अन्याय। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत ने आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। हर कोई परेशान है। आमदनी कोरोना काल में घट गई है, लेकिन महंगाई बढ़ गई है। सरकार ने लगता है मुंह फेर लिया है। किसान दुखी है, खेती संकट में है, किसान लोग खेती छोड़ के शहर के ओर जा रहे हैं। कारण क्या है? खेती लाभदायक नहीं है। अब इसी स्थिति में डीजल लीटर 5 रुपए बढ़ाना, इसके लिए किसानों का वाटर पॉक्सेट पानी तोड़ने के लिए कितना महंगाई होगा, कितना खर्च करना पड़ेगा, साथ ही साथ ट्रैक्टर को किराए के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत अगर एक सरीकी हो जाएगी तो क्या असर होगा? अब इसके पैरेलल में आइए कि डीजल का सबसे ज्यादा उपयोग इस देश के भीतर में एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। किसान भी करता है, ट्रक्स में भी होता है, ट्रैक्टर में भी होता है और एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे सबसे ज्यादा मार डीजल की पड़ती है। लेकिन डीजल की कीमत बढ़ते बढ़ते ना सिर्फ पेट्रोल के पैरेलल में आकर खड़ी हो गई, बल्कि जितनी बड़ी तादाद में वो बढ़ी है वह इसलिए स्थिति है क्योंकि भारत के भीतर जो MSP है इसको भी जरा समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे यहां पेट्रोल डीजल लगभग 15 दिनों का जिक्र करें, 15-16 दिनों में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है, 12% की कीमत बढ़ गई है। हम मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि हमारी नहीं तो कम से कम अपनी ही बातें सुने और तेल के बढ़े दाम वापस लें। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। आज 8 नवंबर 2016 ₹500 और ₹1,000 के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदी का ऐलान करते हुए काले धन पर रोक, जाली नोट पर पाबंदी, आतंकवाद पर अंकुश जैसे बड़े ख्वाब दिखाए गए थे जिनके लिए आम आदमी ने घंटों लाइन में लगकर तकलीफें झेली। और हम मानते हैं कि हमारे देश में काला धन है,
ऐसे नहीं, जोर से बोलो। 8 नवंबर 2016 का वो दिन था, 50 दिन तक देश लाइन में खड़ा रहा नोट बदलने के लिए। सरकार ने नोटबंदी को हमेशा सफल मारा है, लेकिन अब आरबीआई की सालाना रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है, और खुलासा यह हुआ है कि नोटबंदी से 99.3% पैसा वापस आ गया है। सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने अपने इस बयान से देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात कही थी, लेकिन देश में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा। यह हम नहीं बल्कि भ्रष्टाचार पर रिसर्च करने वाली अलग अलग एजेंसियों का दावा। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2017 में भ्रष्टाचार के मामले में भारत को दुनिया में 81वां स्थान मिला है। 2016 में भारत भ्रष्टाचार के मामले में 79वें पायदान पर था। ये जाली नोटें समाप्त तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कुछ लोग महज 60 सेकंड में नकली नोट छाप रहे हैं? 2000 के इन गुलाबी नोटों को देखकर एक बार कोई भी धोखा खा जाएगा, लेकिन ये नोट पूरी तरह नकली हैं। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। देखिए, ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपए ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने विदेशों में जमा काले धन को लेकर एक वादा किया था, जिसे बाद में बीजेपी ने जुमला बता दिया था। हालांकि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद विदेशी बैंकों से कितना काला धन वापस आया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन भारतीयों का कितना काला धन विदेशी बैंकों में जमा हुआ उसका सालाना रिकॉर्ड स्विस बैंकों ने भारत सरकार के साथ शेयर किया है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि जब कोरोना के समय में देश की आम जनता से लेकर अर्थव्यवस्था तक संकट से गुजर रही थी, तब स्विस बैंकों में भारतीयों के पैसों में ताबड़तोड़ और रिकॉर्ड तोड़ इजाफा दर्ज हुआ।